वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेवन कंपनीज मेनली पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो, उन सेवन कंपनीज में हमने पढ़ा कि आपके पास क्या उनका मेन डाटा है। तो आज हम ज़्यादा तो नहीं, चार पांच कंपनीज को डील करेंगे बच्चों, सो डैट हमारा जो काम है कीप गोइंग होना चाहिए। सो बच्चों, पहली जो कंपनी आज की हम पढ़ेंगे 3.47 पेज पे, पेज नंबर 3.47 पे, एंड द कंपनी नेम इज वॉलमार्ट। तो बच्चों, आज हम वॉलमार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एज यू नो बच्चों, वॉलमार्ट जो है ना, वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनीज में से एक है, और बच्चों वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है पूरे वर्ल्ड की, उसका डाटा हम पढ़ते हैं। तो वॉलमार्ट 1962 के अंदर बच्चों ये इनकॉर्पोरेट हुई है, और यूएसए के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई है। ग्रेग आपके पास पेनर इसके चेयरमैन हैं, डफ मैकमिलन जो है इसके सीईओ हैं, और ब्रेड बिग्स कंपनी के सीएफओ हैं। तो ग्रेग पेनर, डफ मैकमिलन, ब्रेड बिग्स यूएसए की कंपनी है, 1962 में क्या हुई है, बन के चली है। ये जो कंपनी है ना बच्चों, वॉलमार्ट, ये अमेरिकन एमएनसी है, रिटेल कॉरपोरेशन है, जो कि चेन ऑफ हाइपरमार्केट्स, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर, ग्रोसरी, ऑनलाइन स्टोर मैनेज करती है। इट्स वर्ल्ड लीडिंग रिटेलर, तो वहां पे आ जाए अंडरलाइन कि वर्ल्ड का लीडिंग रिटेलर कौन है, वॉलमार्ट है। अपनी एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज की वजह से, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सोर्सिंग। वॉलमार्ट इज वर्ल्ड बेस्ट कंपनी बाय रिवेन्यू, इसका रिवेन्यू अंडरलाइन करना, 11,695 स्टोर्स हैं इनके, और क्लब्स इन 28 कंट्री हैं, और इनके 28 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। 63 बैनर्स हैं इसके, एज लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड है। एज प्राइमरी कॉम्पिटिटर इंक्लूड डिपार्टमेंट स्टोर लाइक अल्दी, के मार्ट, ठीक है, क्रॉन्गर, आपके पास टारगेट, शॉपको, एक्सेट्रा, ये इनके स्टोर्स हैं। तो स्टोर्स के नाम लर्न करने हैं, और बच्चों 28 कंट्री में हैं, 11,695 स्टोर्स हैं, और 63 बैनर्स हैं जो ये काम, जिस बैनर्स के अंदर ये काम करके चलती हैं। रिवेन्यू 5,0034 US डॉलर में, और इनकम बहुत बढ़िया, और 23 लाख लोग इनके पास एम्प्लॉय हैं। तो आपको इसका डाटा लर्न करना है। सेकेंड हमारे पास बच्चों, वॉलमार्ट इंडिया, इम्पॉर्टेंट। इंडिया में बच्चों वॉलमार्ट जो है ना, 21 बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल स्टोर चला रहा है, 21। तो 21 लर्न करना है इंडिया के अंदर, और जिसके अंदर 5,000 कैश एंड कैरी होलसेल फॉर्मेट्स हैं, 9 स्टेट्स में बच्चों। तो भारत में 21 स्टोर्स बेस्ट प्राइस मॉडर्न स्टोर्स हैं, 5,000 आइटम्स हैं, 9 स्टेट्स में अभी ये काम कर रहा है। और पहला स्टोर कहाँ खुला था, अमृतसर में खुला था, अंडरलाइन करो, 2009 में, और क्रिश लायर इसके प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। तो इंडिया के प्रेसिडेंट क्रिश लायर हैं, और देश पूरे वर्ल्ड के ग्रेग पैनर हैं, पूरे वर्ल्ड के ग्रेग पैनर हैं, और अमृतसर में पहला स्टोर खुला था। 2014 में वॉलमार्ट ने B2B ई कॉमर्स शुरू किया है इंडिया के अंदर। बेस्ट प्राइस स्टोर मेंबर, किराना स्टोर, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशन, होटल्स, केटरर्स, रेस्टोरेंट एंड अदर बिजनेस मेंबर्स विद अ कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग अपॉर्चुनिटी एज अ वर्चुअल स्टोर फॉर इट्स 19 सिटी। वर्चुअल स्टोर 19 सिटी में चल रहा है भारत में। तो वर्चुअल स्टोर भी खोला है, फिजिकल स्टोर भी है आपके पास 21, और जो कि अमृतसर में 2009 में खोला था, और वर्चुअल स्टोर भी इनके चल रहे हैं। कंपनी की हिस्ट्री, सैम वॉल्टन, ये अच्छा पॉइंट है, किसने खोला था, आज की डेट में वर्ल्ड के चेयरमैन ग्रेग पैनर है, पर फाउंड किया था सैम वॉल्टन ने, ठीक है, 1962 में, और कंपनी बनाई थी इस डेट को, और कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे 1972 में लिस्टेड है। मेन कंज्यूमर और अपने एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करना है, उनको अच्छी फैसिलिटी, अच्छे खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना, लाइफ बेटर हो। तो इनका स्लोगन इम्पॉर्टेंट है, सेव मनी लिव बेटर। तो बच्चों सेव मनी लिव बेटर के नाम से इनका स्लोगन आता है वॉलमार्ट के नाम से। इंडिया में भी ऑलरेडी है वॉलमार्ट, और वर्ल्ड में तो है ही बच्चों, नो डाउट। वॉलमार्ट क्या करता है बच्चों, फ्रेश फ्रोजन फूड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रोसरीज, पर्सनल होम केयर, रेस्टोरेंट, क्लोथिंग, ऑफिस, शिप्स, ये सब चीज़ बेचते हैं। और वॉलमार्ट के ऑपरेशन है 4 डिवीजन में, अच्छा पॉइंट है, वॉलमार्ट US, वॉलमार्ट इंटरनेशनल, सैम्स क्लब, और ई कॉमर्स के नाम से। तो ग्लोबल ई कॉमर्स, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट US, और वॉलमार्ट क्या, इंटरनेशनल। बच्चों वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून में पहले नंबर पे वॉलमार्ट, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 24 नंबर पे,
ठीक है, और 236 नंबर पे बेस्ट एम्प्लॉयर। फ्लिपकार्ट में 77% शेयर किसने खरीदे हैं? फ्लिपकार्ट का 77% शेयर किसने खरीदे हैं? वॉलमार्ट ने खरीदे हैं, ठीक है। और बच्चों, इन्होंने मोस्ट जो और बोनोबूस को एक्वायर किया है 2017 में, और इन्होंने जेट डॉट कॉम को भी एक्वायर किया 2016 में। तो फ्लिपकार्ट वाला पॉइंट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, वॉलमार्ट ने खरीदा हुआ है, 500 फॉर्च्यून में पहले नंबर की कंपनी है, 4 डिवीजन में काम करती है, वॉलमार्ट यूएस है, वॉलमार्ट इंटरनेशनल है, सैम्स क्लब है, ग्लोबल ई कॉमर्स है, और इंडिया के अंदर 9 स्टेट्स में काम कर रही है। अमृतसर ने पहले, क्रिश लायर जो है उसके इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। बच्चों डन है, तो बच्चों पढ़ो इसको एक बार आप लोग अपने लेवल पे, और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, एक बार आप रीड आउट करो। चलिए सेकंड नंबर बच्चों, एप्पल। तो एज यू नो, एप्पल का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है बच्चों। 1976 में कैलिफोर्निया यूएस के अंदर इन्होंने फॉर्म किया था, यूएस की कंपनी है। टिम कुक और ल्यूका मिस्ट्री जो है ना, इनके CFO है बच्चों। ये भी अमेरिकन MNC है जो कि डिजाइन करती है, डेवलप करती है इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सर्विसेज। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है बाय रिवेन्यू, और वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय टोटल असेट्स, एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैनुफैक्चर। तो बच्चों टेक्नोलॉजी में नंबर 1 और मोबाइल के अंदर नंबर 2 आफ्टर सैमसंग। 478 रिटेल स्टोर है इन 17 कंट्रीज में, और ऑनलाइन एप्पल स्टोर आईट्यून के नाम से। तो आप पूछ लेंगे आईट्यून किसका प्रोडक्ट है? आईट्यून स्टोर इनका है, एप्पल स्टोर इनका है। 17-18 में इनका ये रिवेन्यू है, आप रीड करेंगे, इनके पास 1,20,000 एम्प्लॉइज है। एप्पल जो है ना, स्टीव जॉब्स ने फाउंड की थी, ठीक है, और स्टीव वॉजनाइक ने और रोनल्ड वॉयन ने 1976 में, तीन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, और पर्सनल कंप्यूटर बेचना शुरू किया था, और फिर बाद में एप्पल कंप्यूटर INC के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई, और 2007 में फिर इसको एप्पल INC के नाम से, जिसने अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अपना फोकस करके चला है। विजन, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट। पता नहीं कैसे कह रहे हैं लो कॉस्ट, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है एप्पल की, लेकिन उनके हिसाब से थोड़ी कम होगी, चलो। और अच्छी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, मेन तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है एप्पल का। मिशन, एप्पल इज कमिटेड टू ब्रिंग बेस्ट पर्सनल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, प्रोफेशनल्स, कंज्यूमर थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट ऑफरिंग्स। इनके सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ये मैक बनाते हैं, मैकबुक, मैक एयर, आई मैक, ये ध्यान रखना है। आईपैड बनाता है, आईफोन बनाता है, वॉच बनाता है, एप्पल की वॉच आती है आपको पता ही है, एप्पल TV बनाता है, और एप्पल में बच्चों म्यूजिक, iTunes, iPod बनाते हैं। तो इसके सेगमेंट थोड़े से आप माइंड में रखना, मैक है, आईपैड है, फोन है, वॉच है, टीवी है, और आपके पास क्या है? म्यूजिक है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हुई आइटम्स बनाता है, म्यूजिक सुनने के लिए iPod बना दिया, एप्पल iTunes बना दी, वॉच बना दी, iPhone बना दिया, iPad बना दिया, मैक बना दिया। एप्पल 500 फॉर्च्यून में 4th नंबर पे है, वॉलमार्ट नंबर 1 पे है, 8 नंबर की वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेशन में से है, और 3rd बेस्ट एम्प्लॉयर के फॉर्म में। तो सैलरी बहुत अच्छी देता है एप्पल बच्चों, तभी इसके वर्ल्ड के 3rd नंबर के एम्प्लॉयर के ऊपर आके चला है। तो स्टीव जॉब्स और 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी बच्चों, ठीक है, और आज की डेट में जो चेयरमैन है वो टिम कुक है, ल्यूका मिस्त्री जो इसकी हैं वो CFO हैं। 1976 में बनाया था, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है बच्चों कंपनी, और बच्चों मोबाइल के अंदर ये बच्चों जो कंपनी है ना, वो आपकी नॉलेज के लिए 2nd नंबर पे है सैमसंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग में। तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, टीवी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ये बनाकर चलती है बच्चों। सो डन है, इसको पढ़िए बच्चों एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए एप्पल डन बच्चों, आपके पास वॉलमार्ट डन, HP, अब HP आ रही है 3rd नंबर की आज की कंपनी बच्चों। 1939 में कैलिफोर्निया USA, चिप बर्ग इसके जो चेयरमैन है, डायन विल्सर इसके CEO हैं, और स्टीव फिलर इसके जो है CFO हैं। तो बच्चों ये भी USA की है, वॉलमार्ट भी USA की है, एप्पल भी USA की है बच्चों। जो आप HP के हैं, मेनली प्रिंटर्स बनाता है, HP और भी चीज़ें बनाता है वैसे, पर प्रिंटर्स में हो गया, लैपटॉप्स में हो गया, HP का अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हेवलेट पैकर्ड इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, इट डेवलप वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। इसका रेवेन्यू इतना है।
कंपनी 1939 में फाउंड हुई थी, वन कार गैरेज इन इन वन कैप पालो ऑल्टो बाय विलियम बिल हेडिंगटन और हैवलेट एंड डेविड डेव पैकर्ड एंड इनिशियली प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट। तो बच्चों ये वन कार गैरेज इन पालो ऑल्टो बाय विलियम मतलब कार गैरेज था, उसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट किया होगा इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट के नाम से। विजन क्या है बच्चों? लाइफ फॉर एवरी वन एवरी वेयर एवरी पर्सन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको इनका अ काइंड ऑफ स्लोगन है, एवरी वेयर एवरी पर्सन एवरी वेयर, हर जगह हर किसी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसका मेजर जो है ना पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती है, इंडस्ट्री के सर्वर्स बनाती है, स्टोरिंग डिवाइस पेन ड्राइव्स इस तरह से बनाती है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, प्रिंटर्स बनाती है, इमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं हाउस होल्ड के लिए, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और ये साथ में आपके नॉलेज के लिए और भी चीज़ें बनाकर चलती है वेंडर्स के लिए। एचपी न्यूज़ में इस तरह से है कि बच्चों एचपी जो है ना आपके पास 58 नंबर पे 500 फॉर्च्यून कंपनी, फोर्ब्स में 247, बेस्ट एम्प्लॉयर में 449। और बच्चों ये जो है ना एचपी ने क्या किया है, 2014 में इन्होंने प्लान किया, स्प्लिट कर दिया पीसी और प्रिंटर डिवीजन फ्रॉम इट्स एंटरप्राइज प्रोडक्ट एंड बिजनेस सर्विसेज, और स्प्लिट क्लोज ऑन इस 1 नवंबर एंड रिजल्ट इन टू पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एचपी आईएनसी और एचपी एंटरप्राइज के नाम से। तो इन्होंने क्या किया है, पीछे 2014 में प्रिंटर्स और पीसी को अलग अलग कंपनी में कर दिया है और एचपी आईएनसी और एचपी एंटरप्राइज के नाम से दो ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो हैं बना दी हैं, पहले एक थी और फिर बाद में 1939 में। तो ध्यान रखना आप लोग कि विलियम बिल रिविंगटन और बच्चों साथ में हैवलेट डेविड डेव ने ये कंपनीज बनाई थी इनिशियली कार गैरेज के अंदर, और साथ में आज की डेट में चिप बर्ग जो है ना इसके चेयरमैन है, कैलिफोर्निया यूएसए की ये कंपनी है जो एचपी है। तो बच्चों एवरीवेयर 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 हर पर्सन के लिए ये इसका काइंड ऑफ स्लोगन है जो आप माइंड में रख के चलेगा। एक बार पढ़िए प्लीज। चलिए फिर आगे चले बच्चों, नेक्स्ट बड़ी कंपनी देश की वर्ल्ड की मतलब इंडिया में भी काफी यूज कर रहे हैं इस कंपनी का बेनिफिट्स, माइक्रोसॉफ्ट 1975 वॉशिंगटन यूएस की कंपनी है। बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं लगभग यूएस की कंपनीज है बच्चों हमारे पास। जॉन थॉम्सन इसके चेयरमैन है, सत्य नडेला इसकी सीईओ है, एमी हुड इसके सीएफओ है। तो जॉन थॉम्सन सत्य नडेला कंप्यूटर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की देन है, उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, लाइसेंस देती है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड पर्सनल कंप्यूटर सर्विसेज, और इसकी विंडोज जो है ना बेस्ट है बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनका है, एज वेब ब्राउजर इनके हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर बाय रेवेन्यू और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, इसका रेवेन्यू काफी ज्यादा है, लोग भी काफी रखे हुए हैं। इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट बच्चों, 6 मेजर बिजनेस करती है भारत में, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट आरएनडी प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट आईटी इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल डिलीवरी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट। तो 6 फॉर्म में बिजनेस कर रही है, ध्यान रख के चलना। इन्होंने अपनी सब्सिडरीज बना रखी है इंडिया के अंदर, अलग अलग ग्रोइंग फास्टेस्ट सब्सिडरीज, भारत में बहुत काम है, बहुत लोग हैं, कंप्यूटर चलाते हैं लोग, इंटरनेट चलाते हैं, एज ब्राउजर चलाते हैं, तो उसमें काफ़ी काम है। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बाय पॉल एलन एंड बिल गेट्स। तो बच्चों बिल गेट्स की कंपनी है 1975 में, बिल गेट्स इसके सीईओ थे पहले, और इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया 80 में, और इनका यूनिक्स जेनिक्स ये इनके वर्जन थे अपने, एमएस डॉस इनका आया वर्जन फिर बाद में, और फिर जो बाद में एमएस डॉस आया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कंप्यूटर में विंडोज डलती है इन्हीं की देन है, डॉस बेस कंप्यूटर वो भी इन्हीं की डेज है देन है, यूनिक्स जेनिक्स ये भी इन्हीं की देन है बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर्स, एज ब्राउजर्स। विजन इंडिविजुअल बिजनेस की पोटेंशियल को फुली यूज करके देना और एम्पावर एवरी पर्सन ऑन अ प्लेनेट टू अचीव मोर, मतलब कुछ अच्छा अचीव कर पाए। फिर आपके पास इनके सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एमएसएन इनका प्रोडक्ट है, इनके डिवाइसेस में ऑल इंडो विंडोज पीसीज ठीक है, टैबलेट्स ये सब, बिजनेस में क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एमएस
डायनेमिक 365 स्काईपी, स्काईपी फॉर बिजनेस, ये था कि बिजनेस सॉल्यूशन है स्काईपी के नाम से। फिर इनका बच्चों एज्योर MSDN टेक विजुअल स्टूडियो के नाम से ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने नोट्स, क्लास नोट्स, टैब, टैबलेट्स टाइप बना रखे हैं। बच्चों 30वें नंबर पे है 500 फॉर्च्यून कंपनी, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 20वें नंबर पे है, बेस्ट सेकंड एम्प्लॉयर है बच्चों। इन्होंने लिंक्डइन को खरीदा है, तो लिंक्डइन को खरीदा है बच्चों इन्होंने, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीदा, इन्होंने लिंक्डइन को खरीदा, इन्होंने हार्डवेयर डिवीजन खरीदा नोकिया का। देखो ये आ जाएगा आपको, नोकिया का हार्डवेयर डिवीजन किसने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में, और इन्होंने स्काईपी को खरीदा बच्चों 2011 ने। तो स्काईपी, एज, ब्राउजर, विंडोज, डोज, यूनिक्स, सेनिक्स, ये सब इन्हीं की देन है बच्चों। लिंक्डइन को किसने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। एक बार पढ़िए बच्चों, बिल गेट्स ने फाउंडर थे, आज की डेट में तो कोई और चला रहा है लेकिन बिल गेट्स उस समय के फाउंडर थे, पढ़िए प्लीज इसको। सो डाने बच्चों चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट वी हैव IBM, पेज नंबर 3.42 पे IBM। तो IBM भी US की कंपनी है, गिनी रोमेटी जो है इसके बच्चों 1911 में न्यूयॉर्क, और गिनी रोमेटी और जेम्स जो है ना ये इनके बच्चों CFO हैं। तो IBM भी बच्चों टेक्नोलॉजी की काफ़ी अच्छी कंपनी है, और IBM जो है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, 170 कंट्रीज में है। ये क्या करती है, हार्डवेयर, मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर बनाती है, होस्टिंग कंसल्टिंग सर्विसेज देती है कंप्यूटर्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में। इट इज़ अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेशेंट्स जनरेटेड बाय पेटेंट, सॉरी जनरेटेड बाय बिजनेस इन्वेंशंस बाय ATM। तो अंडरलाइन करो, ATM किसकी देन है, IBM की देन है। PC, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेट कार्ड, रिलेशनल डाटाबेस, SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, UPS, ये होता नहीं जो आप मार्केट में जाते हैं जो अपना कपड़े का सामान लेते हैं वो ऐसे बार कोड स्कैन करते हैं उनके कंप्यूटर में डाटा आ जाता है वो, और बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्ड जो है ना वो यहाँ से देकर चलते हैं। फिर आपके पास IBM इन इंडिया, IBM प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ IBM, और वनीता नारायण इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IBM इंडिया। तो इंडिया की वनीता नारायण जो है ना इसकी MD हैं, और इंडिया में 1992 में बिजनेस किए, वैसे 1911 में आ गए थे, और इंडिया में अंडरलाइन को टाटा के साथ जॉइंट वेंचर है, टाटा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो IBM का किसके साथ है, टाटा के साथ है। ATM किसने बनाया, इन्होंने। फ्लॉपी डिस्क किसने बनाई, इन्होंने हार्ड डिस्क इन्होंने बनाई। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने बनाकर चली है। इनके हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं, जूलियस ई पेट्रेट पेटेंटेड द कंप्यूटिंग स्केल, अलेक्जेंडर डे इन्वेंटेड ने डायलर रिकॉर्डर, फिर हेरमन ने पेटेंट किया इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग मशीन, और विलेट बंडी ने इन्होंने इन्वेंट किया टाइम क्लॉक। तो बच्चों ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि ये जो चारों चीज़ें हैं IBM के लोगों ने इस ऐसा करके चला है, फाउंडिंग की है। और फोर कंपनीज वर अमेलगामेट इन न्यूयॉर्क बाय चार्लिस रेनॉल्ड फ्लिंट, फॉर्मिंग अ फिफ्थ कंपनी, कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बेस्ड इन न्यूयॉर्क। IBM वॉज ऑरिजिनेटेड इन 1911 एज कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी एंड रीनेम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन 19। तो इन्होंने कितनी कंपनीज को अमेलगामेशन किया है, चार कंपनीज को इन्होंने अमेलगामेट किया, ध्यान रखना, पर नाम की जरूरत नहीं है, पर कितनी कंपनीज को अमेलगामेट किया था न्यूयॉर्क के अंदर, तो चार कंपनीज की बात होकर चल रहे थे। IBM वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन एनी न्यू एंटरप्राइज डाटा सेंटर माइग्रेशन शॉर्टलिस्ट, कि इनका विजन है लोग, मतलब सबसे पहले लोग IBM को चूज करें जब ऐसा कोई काम चाहिए। और इन्वेंशन मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स बच्चों इसके इंपॉर्टेंट है, क्लाउड, कॉग्निटिव, कॉमर्स, इंडस्ट्री सोल्यूशन, मोबाइल सिस्टम, सिक्योरिटी, सोशल और सर्विस में ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस की, इंडस्ट्री की, ट्रेनिंग, जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और IBM 34 नंबर पे 500 फॉर्च्यून कंपनी, 67 वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, 17 नंबर पे बेस्ट एम्प्लॉयर। इन्होंने अगाइल सॉल्यूशन एंड रेवी टेक्नोलॉजीज को खरीदा, तो वहाँ आ जाएगा अगाइल सॉल्यूशंस को, रेवी को किसने खरीदा है। IBM को क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड मिला है US की एजेंसी से 2016 में, अवार्ड मिला, ये नेट लर्न करना।
और इन्होंने सनोवी टेक्नोलॉजीज को खरीदा है, लोमबार्डी को खरीदा है। तो लोमबार्डी को किसने खरीदा? आईबीएम। सनोवी टेक्नोलॉजीज को किसने खरीदा? आईबीएम। किसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से अवार्ड मिला? आईबीएम, ठीक है। और अगाइल 3 सॉल्यूशंस को किसने खरीदा? इसने खरीदा। हार्ड डिस्क एटीएम किसकी देना है? आईबीएम की देना। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। तो बच्चों आज जो हमने अभी ये पाँचों कंपनीज पढ़ी है ना, ये पाँचों की पाँचों ही हमारे पास बच्चों, ये यूएसए की कंपनीज हैं। बस एक लास्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेल। इंटेल बच्चों ये भी यूएसए, 1968 यूएसए। गॉर्डन मूरी जो है ना इसके चेयरमैन है, रॉबर्ट एच स्वैन जो है इसके सीईओ हैं, और एम ब्रुक्स इसके, विंडल एम ब्रुक्स सीएफओ हैं। तो बच्चों इंटेल भी यूएस की कंपनी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है। और ये क्या करती है बच्चों, ये चिप्स बनाती है। इंटेल जो है ना चिप्स के लिए जाने जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर छोटी बड़ी काफ़ी चिप्स लगती है, चिप्स के लिए जानी जाती है। जिसका X86 सीरीज, ये सर्कल करो, अंडरलाइन करो, X86 सीरीज माना जाता है, चिप्स बनाती है कंप्यूटर की, प्रोसेसर्स की। और बच्चों ये इट सप्लाई प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर सप्लाई करती है एप्पल लिनोवो को। नेट प्रॉफिट जो भी है आप रीड कर लेंगे। इंटेल 1968 में फाउंड हुई थी सेमीकंडक्टर पायनियर रॉबर्ट नॉयकर एंड गॉर्डन मूरी ने, एंड वाइडली एसोसिएट विद एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड विजन ऑफ एंड्रयू ग्रोव, एंड कंपनी नेम वॉज कंसीव फ्रॉम द वर्ड्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंटेल इज द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑल्सो मेड नेम द नेम अप्रोप्रिएट। तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मिशन, कस्टमर एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, डिलाइट करना, और डिसिप्लिन रिस्क टेकिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। पोर्टफोलियो में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों इसमें। इन्होंने केबल के मॉडम्स, डेस्कटॉप, इंटेल कार्ड्स, स्टिक इंटेल की, लैपटॉप्स, सर्वर्स बनाए हैं। प्रोसेसर में इंटेल कोर, इंटेल एक्सॉन, इंटेल एटॉम के नाम से बनाए हैं। बोर्ड्स में इन्होंने बच्चों काफ़ी सारे बोर्ड्स बनाए, इंटेल ज्वेल, इंटेल गैलेक्सी डेवलपमेंट बोर्ड, इंटेल किट बनाई है, ये आपको याद रखना है। चिपसेट में डेस्कटॉप सर्वर के चिप्स बनाई हैं। सर्वर में डाटा ब्लॉक्स बनाए हैं, सर्वर बोर्ड्स बनाए हैं। नेटवर्किंग में इथरनेट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वायरलेस में सेलुलर मॉडम, जो मॉडम्स आते हैं, जो सेलुलर मॉडम्स आते हैं वो बनाए हैं। इंटेल के गेटवे बनाए, तो इंटेल के नाम से चिप्स, प्रोसेसर, गेटवे, सर्वर, ये इंटेल के प्रोडक्ट्स हैं। इंटेल के प्रोडक्ट्स हैं, नाम नहीं है तो नाम पे इतना फोकस मत करना, इसको सिर्फ रीड करना। रैंकिंग में 46 नंबर पे है, 500 फॉर्च्यून कंपनी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 49 नंबर पे है। बेस्ट एम्प्लॉयर 92 नंबर पे है। तो बच्चों अभी नंबर वन तो नहीं कहेंगे वॉलमार्ट एप्पल की तरह। और 17 में इन्होंने टेक ओवर ऑफ मोबिल आई एन इजरायली डेवलपर को, ऑटोमेनस ड्रिवन सिस्टम को इन्होंने खरीदा है। तो वहाँ पे ये नाम याद रखना, मोबिल आई इजरायली डेवलपर की इन्होंने ये चीज़ खरीदी है। इंटेल ने स्टार्ट किया है नवर्ना सिस्टम, एक इतने इस पे, ठीक है, परचेज किया है। और इंटेल ने सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी को क्या किया है, बॉट किया है। तो सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी नवर्ना सिस्टम्स को, और मोबाइल आई इजरायली जो इनका एप्लीकेशन है ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, उसको खरीद कर चला है। तो प्रोसेसर की बात आ जाए, चिप की बात आ जाए, तो इस पर आप लोग फोकस करके चलेगा। तो बच्चों आज हमने ये 6 ही कंपनीज करनी है, सिर्फ 6 ही कंपनीज का डाटा है। 6 की 6 यूएस की है। किसी ने नोकिया को खरीदा है, किसी ने लोमबार्डी को खरीदा है, किसी ने लिंक्डइन को खरीदा है, किसी ने बच्चों आपके पास इजरायली जो डेवलपर है उसको खरीदा है। सारी की सारी यूएस की कंपनी है। 500 फॉर्च्यून में रैंकिंग बहुत अच्छी है। और कोई प्रिंटर्स बना रहा है, कोई प्रोसेसर्स बना रहा है, कोई विंडोज़ बना रहा है, कोई यूनिक्स बना रहा है, कोई डोज बना रहा है, कोई लैपटॉप्स बना रहा है, कोई मैक बना रहा है, कोई टैबलेट्स बना रहा है, तो प्लीज़ इनको आज जाके पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करके चलते हैं।